हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे WWE के नेक्स्ट पीपीवी हेल इन अ सेल के हाइलाइट्स के बारे में, यानी कि हमें कौन कौन से विनर देखने को मिलेंगे हेल इन अ सेल में होने वाले मैचेस में। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, कौन कौन से टाइटल चेंज हो सकते हैं सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके लाइक से। और गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन हेल इन अ सेल में WWE चैंपियन बन जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ही लेना। गाइस, अभी WWE ने सिर्फ 4 मैचेस कंफर्म किए हैं हेल इन अ सेल पेपरवी के लिए, जिसमें हैं 3 हेल इन अ सेल मैच, पर हमें लगभग टोटल 8 से 10 मैच देखने को मिलेंगे हेल इन अ सेल पेपरवी में, जो कि आगे WWE कंफर्म करेगी नेक्स्ट स्मैकडाउन पर भी। तो बात कर लेते हैं उन 3 बड़े हेल इन अ सेल मैचेस के बारे में। तो सबसे पहला मैच है WWE चैंपियनशिप के लिए ही रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में। और गाइस, जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा, ये मैच इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में तीसरा रीमैच है। पिछली बार तो रैंडी ऑर्टन के साथ धोखा हुआ था, जब बिग शो, क्रिश्चियन, रिक फ्लेयर और शॉन माइकल ने आके अटैक किया था रैंडी ऑर्टन पर, जिस वजह से वहां पर तो WWE चैंपियनशिप नहीं जीत पाया रैंडी ऑर्टन पर। यहां पर हेल इन अ सेल में रैंडी ऑर्टन के पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो ये मैच जीत पाए। और गाइस, मैं इस मैच के बारे में आपको बता दूं कि ये मैच हमें काफ़ी ब्रूटल और काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। और इस मैच के लिए WWE ने कुछ अलग ही मूवमेंट्स प्लान कर रखे हैं। हमें दोनों सुपरस्टार हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के ऊपर भी फाइट करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस, जैसे कि आपको पता है, हेल इन अ सेल में या तो पिन होता है, सबमिशन होता है, या फिर हेल इन अ सेल से जो भी बाहर आ जाए वो विनर होगा। तो ऐसे में यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो इस मैच में विनर हो और बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन। नेक्स्ट मैच है फीमेल डिवीजन की तरफ से, जो है साशा बैंक्स वर्सेस बैली के बीच में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। ये भी हेल इन अ सेल मैच है। और गाइस, जैसा कि आपको याद ही होगा, इस मैच की फ्यूड के लिए बैली ने पहले अटैक किया था साशा बैंक्स पर, उसके बाद हमने देखा साशा बैंक्स ने भी काउंटर अटैक करने की कोशिश की थी इस बैली पर। और लास्ट स्मैकडाउन पर हमने जैसे कि देखा, साशा बैंक्स ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लिया था, पर बैली ने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं किया, तो हमें फिर यहां पर साशा बैंक्स अटैक करती हुई दिखाई देंगी बैली पर, और बैली से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवाएंगे और ये मैच ऑफिशियल हो जाएगा। और बात करें गाइज, इस मैच में क्या कुछ हो सकता है, क्या रिजल्ट होगा, तो गाइज ये मैच काफ़ी ब्रूटल देखने को मिलेगा। बैली को WWE ने काफ़ी अच्छा पुश दिया है, वैसे साशा बैंक्स तो हाई रेटिंग मैच लाने वाली हैं ही सुपरस्टार। अब बात करें इस मैच के विनर के बारे में, तो गाइज इस मैच में जीतने के चांसेस हैं साशा बैंक्स के, और वो बन जाएंगी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। पर दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये फ्यूड हमें आगे भी चलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी फीमेल डिवीजन की फ्यूड है, तो WWE से और लंबी खींचेगी। नेक्स्ट मैच भी गाइस बड़ा मैच हो, ये मैच होने वाला है रोमन रेंस से जे उसो का रीमैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये भी एक हेल इन अ सेल मैच है, पर ये होने वाला है फर्स्ट एवर IQ हेल इन अ सेल मैच। इस मैच में ना कोई स्पिन होगा, ना सबमिशन होगा, ना कोई रिंग से बाहर जाने पर जीतेगा। इस मैच में दूसरे सुपरस्टार से बुलवाना पड़ेगा IQ, तभी वो सुपरस्टार जीतेगा। तो इस मैच को देखकर साफ पता लगा सकते हैं कि ये मैच हमें काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। और इस मैच में फिर से एक बार रोमन रेंस बहुत बुरी तरीके से धुनाई करने वाले हैं जे उसो की, और यहाँ पर जे उसो की मदद भी करने कोई नहीं आ पाएगा। वैसे गाइस, जे उसो इतनी जल्दी आई क्विट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और रोमन रेंस भी हारने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें जे उसो से मनवाना है कि वो रोमन रेंस को माने ट्राइबल चीफ। तो दोस्तों, भले ये मैच है रीमैच, फिर भी ये मैच काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस मैच में जीतने वाले हैं रोमन रेंस और अपनी टाइटल में सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे जे उसो के अगेंस्ट। तो दोस्तों, ये तो वो 3 मैचेस थे जो कि हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा WWE ने जेफ हार्डी वर्सेस एलियास का मैच कन्फर्म किया है, पर उसकी प्रिडिक्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कमेंट में जरूर बताना कि इस मैच में कौन जीत सकता है, और अपना फेवरेट मैच भी कमेंट में बताना। पर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। और दोस्तों, अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।